बहुजन समाज पार्टी के भिंड से विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया है। विधायक ने घोषणा की है कि विधायक निधि को गौशाला निर्माण में खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में आवारा गौवंश से किसान बेहद परेशान हैं और शहर में भी सड़कों पर गौवंश का जमावड़ा लगा रहता है। इस पर लगाम कसने के लिए बड़ा काम करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर विधायक ने ग्वालियर के समीप मालनपुर में खोले जा रहे सैनिक स्कूल पर भी रोक लगवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सैनिक स्कूल जिला मुख्यालय के आसपास ही खोलेगा। हमारा पूरा क्षेत्र गायों से बहुत परेशान है। गाय उनकी फसल चौपट कर देती किसानों की, रात रात भर वो सो नहीं पाते हैं, गाय से अपने किसान खेती की रक्षा करते हैं। मेरा इसमें एक चुनाव के दौरान भी मैंने जहाँ जहाँ मेरे कहने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला, मैंने कहा कि भाई गायों की व्यवस्था करूंगा और अगर मुझे मौका मिले तो सरकार के द्वारा, अगर सरकार नहीं करती है तो मेरी जो निधि होगी विधायक निधि, तो पूरी निधि गौशाला के निर्माण के लिए या गायों को किस तरीके से सुरक्षित करके फसल को भी सुरक्षित किया जाए, जो भी उसमें कर सकते हैं अपनी निधि पूरी लगा दूंगा, ये मैंने कहा था। सैनिक स्कूल जो भिंड में प्रस्तावित था उसकी जगह मालनपुर, ग्वालियर के पास मालनपुर में देखी गई और उसको आगे बढ़ाया गया कमलनाथ जी से। तो उनको मैं 3 पत्र देकर आया था। पहला पत्र उसमें था कि सैनिक स्कूल मालनपुर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भिंड मुख्यालय पर रखा जाए। दूसरा प्रयास था कि भिंड में कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही है, तो मेडिकल कॉलेज भिंड में स्वीकृत कराया जाए। तीसरा, एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जिस तरीके का सेंटर एक तिगरा में है, तो हमारे यहाँ भी बहुत सरकारी ज़मीन है, बेहड़ है, तो वहाँ पर एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाए।